हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग मैं निशांत टीम फिजिक्स सी एल सी सीकर तो आज हम लोग जो हमने डेली का मेजर टेस्ट सीरीज चला रखी है जेई के लिए उसमें मेजर टेस्ट सेवन के पेपर टू का डिस्कशन करने वाले हैं तो जैसा कि पेपर का मैं बता रहा हूं मेजर है तो फुल सिलेबस जो है इसमें कवर किया गया है एलेवन ट्वेल्थ का जो भी सिलेबस है कम्प्लीट कवर किया गया है ठीक है पेपर में नाइन क्वेश्चन जो है वो मोर देन वन करेक्ट साथ में नाइन क्वेश्चन इंट्री टाइप रखे गए थे जिस लेवल के क्वेश्चन हमको जे एडवांस में मिलते हैं कुछ उसी तरह का यहां पर सारा पैटर्न रखा है तो उम्मीद है सबका पेपर अच्छे से गया होगा चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मोर देन वन करेक्ट में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारे पास वो है मेजरमेंट से बोला है इन इन स्क्रू गेज देयर आर सर्कुलर स्केल कि सर्कुलर स्केल जो है उस पर कितने डिविजन हैं हंड्रेड डिविजन हैं क्लियर इन ईच मेन स्केल ऑफ वन एम एम और साथ में मेन स्केल के डिवीजन की भी हमें लेंथ दे रखी है कि वन एम एस डी की जो वैल्यू हमें दी है वो हमें दे रखी है 1 mm. ठीक है बोला नो गैप बिटवीन जॉर्ज नाइनटी कोइंसाइड विद को मेन स्केल जीरो क्लियर कि जब हमारे पास ये जो जो है हमारे पास स्क्रू गेज की इनके बीच जब कोई भी गैप नहीं है मतलब जीरो मेजरमेंट के टाइम पर क्लियर उस टाइम की कंडीशन क्या बोली है 98th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल जीरो एंड जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल तो उस टाइम क्या कहानी है हमारे पास कि ये हमारे पास मेन स्केल है क्लियर ये सर्कुलर स्केल है यहां कोई जीरो मेन स्केल पे जीरो दिखाई नहीं दे रहा और इस रेफरेंस लाइन से हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है इसका 98th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मतलब जीरो जो है इसके ऊपर रहा होगा 100 डिवीजन से टोटल So, क्लियर तो एक चीज तो क्लियर है कि इस इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी जीरो एरर है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इंस्ट्रूमेंट अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑलरेडी इन टू डिविजन की जो लेंथ है ना हमारे पास टू सर्कुलर डिविजन की जो लेंथ है है टू सर्कुलर की जो लेंथ हमारे पास वो ऑलरेडी मेजर कर रहा है क्लियर मतलब इसमें जो एरर है वो कौन सी हो गई नेगेटिव जीरो एरर हो गई क्लियर है क्या इंस्ट्रूमेंट जो हमें दे रखा उसमें है उसमें नेगेटिव जीरो एरर है कितने डिविजन्स की टू सर्कुलर डिविजन्स की और स्क्रू गेज में हमें पता है सर्कुलर डिविजन्स का जितना गैप होता है वही लीस्ट काउंट होता है तो बोल सकते हैं टू इंटू लीस्ट काउंट की क्या है इसमें नेगेटिव एरर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ बॉल द सर्कुलर स्केल इज बिटवीन टू एम एम मार्क एंड थ्री एम एम मार्क जब हमने एक बॉल का डायमीटर मेजर किया तो सर्कुलर स्केल जो है हमारे पास क्या बोला है द सर्कुलर स्केल इज बिटवीन टू एम एम मार्क एंड थ्री एम एम मतलब मेन स्केल जो है ना टू एम एम और 3 mm बीच में यहां कहीं इस तरह से सर्कुलर स्केल मिला है हमें तो मेन स्केल की रीडिंग तो साफ साफ दिखाई दे रही है two, और सर्कुलर के बारे में बोल रखा है सच ट्वेंटी थर्ड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद द रेफरेंस लाइन कि यहां जो है वो ट्वेंटी थर्ड डिवीजन जो है वो कोइनसाइड किया है तो पूछा है हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है तो ध्यान से देखें जरा हाँ भाई तो सबसे पहले तो

सी एस डी मतलब टू लिस्ट काउंट के इक्वल ऑलरेडी नेगेटिव जीरो एरर है तो ये लो भाई जीरो एरर ई नाम देता हूं मैं इसको इसकी वैल्यू है माइनस टू इन टू लीस्ट काउंट लिस्ट काउंट पॉइंट वन एम एम ना तो ये वैल्यू आ गई माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम इतनी जीरो एरर है अब रीडिंग की बात करें तो हमने जो मेजरमेंट लिया है उसमें क्या मिला मेन स्केल जो है वो टू एम एम के बीच में तो भाई मेन स्केल की रीडिंग तो हमारे पास कितनी है टू एम एम क्लियर किसी भी अगर मैं स्क्रू गेज की अगर रीडिंग लिखू तो रीडिंग होती क्या है बेसिकली रीडिंग होती है स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग माइनस जीरो एरर क्लियर तो यहां से अगर अपन देखें तो मेन स्केल की रीडिंग तो 2 एम हो गई सर्कुलर स्केल की बात करो तो 23 थ्री डिविजन कर रहा है तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 23 थ्री इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव है तो पॉइंट जीरो टू एम एम की सब कुछ एमएम mm में एड करते तो ये वैल्यू आ गई टू प्लस जीरो वैल्यू आ गई टू पॉइंट टू थ्री टू पॉइंट टू फाइव एमएम टू पॉइंट टू फाइव एमएम तो जो हमारे पास जिस बॉल का हमने डायमीटर मेजर किया है उसका डायमीटर हमारे पास रहा होगा 2.25 पॉइंट mm, टू एमएम साथ में लिस्ट काउंट है तो हमारे पास पॉइंट जीरो वन एम और एरर जो है जीरो एरर वो है नेगेटिव में पॉइंट .2 2 mm जीरो हाँ भाई तो हमें कौन सा ऑप्शन निकालना हमें रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग ऑप्शन चूज करने हैं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है हमें पहला ऑप्शन बोल रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर तो ध्यान से देखो तो पॉइंट जीरो वन तो आया है हमारे पास नो डाउट पॉइंट जीरो वन आया बट तो वो सेंटीमीटर में नहीं है एमएम mm में है तो ये रॉन्ग हो गया हमारे पास तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉन्ग सेकंड की बात करूं द जीरो एवरेज माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर तो माइनस जीरो पॉइंट जीरो नहीं माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू आई है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा थर्ड द डायमीटर ऑफ द बॉलेज टू पॉइंट टू फाइव बिल्कुल सही बात है तो ये करेक्ट ऑप्शन है द जीरो एवरेज पॉजिटिव जीरो एरर नो जीरो एरर जो है वो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है तो ये रॉन्ग हो जाएगा और हमसे जो पूछा है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग ऑप्शन पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास वन टू एंड फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए बुलाए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है इन एन एडियाबैटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिक्रीजिज तो भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी इक्वल टू एन आर टी किसी भी गैस के लिए हम आइडियल गैस के लिए बोल सकते हैं इस पी वी प्रोडक्ट पर बात की है तो हम साफ साफ देख सकते हैं पी इन टू वी जो है हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि एडियाबेटिक में मोज तो कौन मानते ही है क्लियर अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो पीबी के भी इंक्रीज डिक्रीज होने पे कमेंट की जा सकती है अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ अगर रिलेशन देखो तो आता है टी इन टू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्लियर तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो ये पीवी का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो बिल्कुल सही बात है ये सही स्टेटमेंट है हमारे पास नेक्स्ट बोला है द आर एम एस ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ ऑल आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर इज नॉट द सेम बट इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं आर एम एस स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूड थ्री आर टी बाई मॉलिक्यूलर मास Clear? अब देखो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए मॉलिकुलर मास डिफरेंट वैल्यू जो है मास पे डिपेंड क्यों? कर रहा है तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी क्या हमारे पास करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं टेम्परेचर ऑफ ए नाइडल गैस इज डबल फ्रॉम हंड्रेड टू टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस क्लियर है क्या तो टेम्परेचर को डबल किया सेल्सियस में बट केल्विन में डबल होगा या नहीं तो देखो कैलविन में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास 373 सेवेंटी कैलविन और ये है हमारे पास हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 473 सेवनटी अब तुम 373 से 473 जा रहे हो तो टेम्परेचर डबल थोड़ी ना हुआ है कैलविन में अब टेम्परेचर डबल नहीं हुआ है एनर्जी हमें पता है एनर्जी ऑफ हाइड्रल गैस होती है हमारे पास एफ वाई टू एनआर टी सीधा टेम्परेचर के प्रपोर्सनल है अब टेंपरेचर डबल नहीं हुआ है तो एनर्जी भी यहां पर डबल होने वाली नहीं है हां किसी और फैक्शन से चेंज होगी इंक्रीज होगी नो डाउट बट डबल नहीं होगी तो ये बोल रहे डबल हो जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन तो की तरफ चलते द आर एम एस ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ और आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर इज नॉट द सेम बिल्कुल सही बात है सभी टेम्परेचर एक सेम टेम्परेचर पे सेम नहीं होती बिल्कुल सही बात है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल की यह मास ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करती ये रॉन्ग हो गया हमारे पास कैसे मास ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है तो हम बोल सकते हैं ये रॉन्ग हो गया और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना है तो आंसर हो जाएगा हमारा थ्री एंड फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखें जरा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कॉन्वेक्स थिन लेंस ऑफ ग्लास

दिस इक्ट मिरर इज कैप्ट इन एयर एंड इन केस सेकंड इट इज कैप्ट इन वाटर फोर बाई थ्री तो साथ में फोकल लेंथ सब कमेंट करवाइए तो देखना जरा कि जब ये लेंस हमारे पास एयर में तो इसकी फोकल लेंथ कितनी ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंस मेकर फॉर्मूला से बोल सकते हैं वन अपन एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन वन अपॉन आर माइनस माइनस आर वन अपन आर माइनस इधर से देखोग आर वन जो है वो पॉजिटिव और आर टू क्या है नेगेटिव तो ये वैल्यू आ एयर 2 2 तो मतलब में और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ट्वेंटी सेंटीमीटर साथ में अगर देखें तो अब बोला है कि एक सरफेस को क्या कर दिया सिल्वर तो एक सरफेस को जब तुम सिल्वर करोगे तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ हो जाएगी आर बाई टू आर बाई टू मतलब

दोनों केसेस में ठीक है डिफरेंट डिफरेंट में फोकल लेंथ ऑफ इक्वलेंट मिरर कैलकुलेट करवाइए कि भाई एयर में इन कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और उस फोर बाई थ्री वाले में इक्वलेंट फोकल लेंथ तो कैलकुलेट करते हैं जरा तो देखो एयर में बात कर लेता हूं मैं केस वन के लिए एयर में अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन एफ इफेक्टिव होता है हमारे पास वन अपॉन एफ एम माइनस टू बाई एफ एल ये होता है इफेक्टिव फोकल लेंथ फॉर दिस सिल्वरिंग कॉम्बिनेशन तो एयर में बात कर रहा हूं तो देखो मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास माइनस टेन सेंटीमीटर माइनस टू बाई लेंथ के लिए फोकल लेंथ ऑलरेडी दे रखी है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये हो गया माइनस वन बाई टेन माइनस वन बाई टेन माइनस टू बाई टेन तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई माइनस फाइव सेंटीमीटर तो एयर में तो इफेक्टिव कितना आ गया माइनस फाइव सेंटीमीटर अब लिक्विड में कैलकुलेट करते हैं तो लिक्विड में अगर देखें तो देखो मिरर पे तो फर्क पड़ने वाला तो नहीं मिरर की तो यही रहेगी लेंस की चेंज हो जाएगी तो लेंस के ऊपर बात कर लेते हैं तो उस लिक्विड में म्यूल टू फोर बाई थ्री के लिक्विड में लेंस की फोकल लेंथ निकालते तो हो जाएगी म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू आर की वैल्यू मेरे को पता लग चुकी है तो ये वैल्यू आ गई यहां से नाइन बाई एट माइनस वन वन बाई एट इन हो गया वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी तो यह वैल्यू आ गई हमारे पास एटी फोकल लेंथ आ गई लेंस की एटी सेंटीमीटर किसमें लिक्विड में हमें लेंस की फोकल लेंथ नहीं कॉम्बिनेशन की निकालनी है तो देखो कॉम्बिनेशन की यही निकाल दू मैं तो कॉम्बिनेशन की आ जाएगी हमारे पास वन अपॉन एफ एम माइनस टू बाई एफ एल एफ एल की वैल्यू है एटी तो यह वैल्यू आ गई माइनस माइनस टू बाई एटी एट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो तो माइनस वन बाई एटी माइनस एट माइनस टू अपॉन एटी तो, गया, -10 80, तो आ गया माइनस टेन अपॉन एटी तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गई हमारे पास ये वन बाई एफ की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस वन बाई एट तो एफ की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस एट सेंटीमीटर मतलब मैं कह सकता हूँ एयर में जो इफेक्टिव जो है फोकल लेंथ वो माइनस फाइव होगी और उस लिक्विड में हमारे पास माइनस का एट हो जाएगी ऑप्शन पढ़ते हैं जरा ऑप्शन में बोल रखा है देखो जरा क्या ऑप्शन हाँ, देखे फर्स्ट में ऑलरेडी चेक कर चुका हूं क्या आया था हमारे पास रॉन्ग आया था फोकल लेंथ ऑफ एक्वेट मिरर इन बॉड द केसेस सेम नहीं सेम नहीं एक -5 है एक में माइनस फाइव है एक मतलब में माइनस एट है फोकल लेंथ इन केस फर्स्ट मतलब एयर में एयर में माइनस फाइव है बिल्कुल सही बात है ठीक है इसने वैल्यू दे रखी है केवल फोकल लेंथ इन केस सेकंड इज एट सेंटीमीटर बिल्कुल ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी सही बात हो जाएगी अब इसने हमसे क्या पूछा है इसने रॉन्ग नहीं करेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थ्री एंड फोर हो जाएगा क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर फोर देखें जरा

एल नॉट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेता हूं क्योंकि वो हमें काम में देने वाला है तभी जाके हम बैलेंस में उसे काम में ले पाएंगे तो पहले प्राइमरी सर्किट सॉल्व करते हैं तो देखो इसका रिएक्शन हमें नहीं पता तो मैं क्या करता हूं यहां से किसी भी एक्स पे जाके डी एक्स लेंथ का एलिमेंट लेता हूं क्लियर पर यूनिट लेंथ पर एक्स के साथ जो है पर यूनिट लेंथ का रिएक्शन वेरी कर रहा है ऐसे लेमड़ा जो है हमारे पास पर यूनिट लेंथ का वो ये दे रखा है तो इस जगह पर इतना लेमड़ा दे रखा है तो इस एलिमेंट का जो हमारे पास छोटा सा रेजिस्टेंस होगा डी वो होगा हमारे पास लेमड़ा डीएक्स जिसकी वैल्यू हो गई हमारे पास थ्री आर नॉट एक्स वाई एल स्क्वायर डी एक्स क्लियर ठीक है अब तुम्हें तो जितनी लेंथ का रेस्टेंस निकालना हो उतनी रेस्टेंस को इंटीग्रेट कर दो तो मैं यहां से किसी भी एल नॉट लेंथ की बात कर लेता हूं कि भाई किसी भी एल नॉट लेंथ का रजिस्टेंस क्या होगा तो देखो जीरो से लेके एल नॉट तक इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहां से रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थ्री आर नॉट बाई एल स्क् एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल नोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल नॉट स्क्वायर बाई टू लिमिट पुट कर दिए हमें डायरेक्ट है ना किसी भी एल नोट लेंथ का रजिस्टेंस इतना होगा अगर मैं इसके टोटल रजिस्टेंस की बात करूं तो एल नोट की जगह पूरी लेंथ एल रख दो तो एल से एल गया पूरा ये रजिस्टेंस जो है ना ये वाला यह पूरा रेस्टेशन आ गया हमारे पास थ्री आर नॉट बाई टू क्लियर अब इसका रेस्टन्स देखो तो थ्री आर नॉट बाई टू इसका है आर नोट। टोटल होगा प्राइमरी में फाइव आर नॉट बाई टू तो करंट की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट अपॉन फाइव आर नॉट बाई टू इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा हमें बैलेंस लेंथ फाइंड करनी है और बैलेंस लेंथ का सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसमें यहां पर कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इन टर्मिनल्स पे होगा उतना ही बैलेंस लेंथ एल नॉट पर होगा तो हम एल नॉट लेंथ पे आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लेते हैं क्लियर है क्या ठीक है तो देखें तो एल नोट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो इतना है तो एल नोट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा देखना तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी वी एल नोट वो कितना आ जाएगा आई आई की वैल्यू है टू बाई फाइव ई नोट अपॉन आर नोट आई इनटू इसका रेजिस्टेंस ये रहा हमारे पास थ्री बाई टू आर नॉट अपॉन एल स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर बाई टू ठीक है हुँ. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास टू से टू गया आर नॉट से आर नॉट गया तो वी एल नॉट की वैल्यू आ गई थ्री ई नॉट बाई फाइव एल नॉट बाई एल का होल स्क्वायर ये हमारे पास किसी भी एल नॉट लेंथ पे आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप आ गया अब क्वेश्चन आगे करते हैं हम तो बोला है एस जब हमारे पास ओपन है और एस जब क्लोज है तो इन इनकेसेज में हमारे पास बैलेंस लेंथ क्या होगी तो देखना जब हमारे पास एस ओपन है एस अगर ओपन है तो देखो केवल प्राइमरी सेकेंडरी uh, सर्किट में केवल यह बच गया अब जब बैलेंस कंडीशन हो जाएगी तो इसमें तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं तो इस पे एल नॉट लेंथ पे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना कि इस सेल का ई है हमारे पास क्लियर तो हम कह सकते हैं एल नॉट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू ई नॉट बाई टू तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा देखो एल नॉट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप है हमारे पास ये ये हो जाएगा हमारे पास ई नॉट बाई टू के तो यहां से अगर हम एल नॉट मेजर करें बैलेंस लेंथ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो ये आ जाएगा हमारे पास फाइव बाई सिक्स का रूट फाइव बाई सिक्स एल क्लियर ये कब है जब एस हमारे पास ओपन है तो इसने बोल रखा है ओपन बैलेंस लेंथ है रूट फाइव बाई है अब क्लोज की भी बात कर लेते हैं तो जब ये क्लोज होगा हमारे पास ध्यान तो से देखना जब ये क्लोज होगा तो जब ये क्लोज होगा तो इसमें बैलेंस लेंथ कब आएगी कि भाई इन दोनों का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो एल नॉट के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो क्लियर है क्या तो ए, तो हम ये वाला टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते तो देखो ये तो क्लोज है ही इसमें कोई करंट जा नहीं रहा तो ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया तो इसमें अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा इधर तो इफेक्टिव करंट कितना आ जाएगा तो इधर ई नॉट चलाएगा इधर ई नॉट बाय 2 चलाएगा इधर तो करंट नेट आगे चलेगा ए नॉट बाय 2 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 5 आर नॉट बाय 4 दोनों का टोटल क्लियर मैं अलग से बताता हूं देखो इसको क्या हुआ अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां क्या कहानी चल रही है ये तो है आर नॉट यह है ई नॉट बाई टू यह है ई नॉट और यह है आर नॉट ये आर नॉट बाई फोर हम्म

ऊपर चला जाएगा ये टू इतना आई आएगा अब हमें तो इन दोनों का टर्मिनल वोल्टेज चाहिए तो देखो टर्मिनल वोल्टेज बी डे की वैल्यू क्या हो जाएगी हो जाएगा ई नॉट माइनस आई इन टू आर नोट तो ये बी डे की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री बाई फाइव ई नोट मतलब जब हमारे पास एस क्लोज होगा ईस वाला स्विच क्लोज होगा तो इन दोनों पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आएगा थ्री बाई फाइव ई नॉट और यही थ्री बाई फाइव ई नॉट जो है ना यही थ्री बाई फाइव ई नॉट जो है वो इस पोटेंशियोमीटर के वायर पर बैलेंस हो रहा होगा एल नोट लेंथ पर क्लियर है क्या तो हमें अगर बैलेंस लेंथ निकालनी है तो हम बोल सकते हैं देखना बैलेंस लेंथ निकाली तो हम बोल सकते हैं कि भाई जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस पर आया है उतना ही यहाँ उस l नॉट रेजिस्टेंस एयर प्लॉट लेंथ पर आया होगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसका टर्मिनल वोल्टेज का हम पता ही है टर्मिनल वोल्टेज कितना आया हमारे पास 3/5 e नॉट और इतना ही लेंथ पे ले लो जो कि इतना है तो इनको बराबर कर दो यहाँ से अब नई वाली बैलेंस लेंथ आ जाएगी तो यहाँ से l नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास l बराबर कर दो क्लियर है क्या तो हम साफ-साफ कह सकते हैं कि जब ये ओपन था तब तो आया था √5/6 अब जब इसको क्लोज कर देंगे तो एल नॉट की वैल्यू एल के इक्वल होगी ऑप्शन देखते हैं जरा क्या दे रखा है इसने हाँ भाई ऑप्शन में दे रखा है स्विच एस इज इज क्लोज बैलेंस लेंथ एट एट एल रूट ये तो एल आनी चाहिए तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा केवल हमारे पास सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा सेकंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वो तो कॉन्सेप्ट इसका इजी था ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट वही है जो काम मिले तो बस अंतर इतना है कि अब तक तुम्हें यहाँ रजिस्ट्रेस जो है वो कॉन्सेंट दिया जाता था यहाँ बेवल काम मिल लिया बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा क्वेश्चन नंबर फाइव बोला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है फर्स्ट बोल रहा है फोटो करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन वैन द अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस्ड फर्दर बिलो द स्टॉपिंग पोटेंशियल कि वो फो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है क्या ये एनोड प्लेट यहाँ फोटो गिर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर इधर जा रहे हैं अब बोला है कि रिवर्स में वोल्टेज लगाया अपोज कराने के लिए तो देखो यहां वी यहां जीरो इसको अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल लगा दूंगा तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां नहीं पहुंच पाएगा करंट फ्लो नहीं होगा क्वेश्चन बोल रहा है इसको अगर मैं Vs से ज्यादा बढ़ा दूं बोल रहा है अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस फर्दर बिलो द स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल अगर माइनस थ्री है तो माइनस फोर माइनस फाइव कर दूं तो क्या होगा अरे जब भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस थ्री इलेक्ट्रॉन न्यूमिट इलेक्ट्रॉन को एनोड तक नहीं पहुंचने दे रहा तो डेफिनेटली माइनस फोर और माइनस फाइव तो पक्का नहीं पहुंच देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा ये जो बोल रहा है वो रॉन्ग है क्लियर नेक्स्ट दिलेक् फोटो करंट लीनियरली विद अप्लाइड वोल्टेज ठीक है तो देखो यहां अप्लाइड वोल्टेज की वजह से हमें पता है ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं आता करंट पे क्लियर करंट का जो मेन इफेक्ट आता है वो इफेक्ट आता है भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट हुए हैं

इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज कीपिंग द फ्रिक्वेंसी कौन से देखो फ्रिक्वेंसी कॉन्सेंट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल काए टेक एनर्जी या कहो तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है तो ये बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिमेंड अनअफेक्टेड बाई कीपिंग फ्रीक्वेंसी कॉन्सेंट बिल्कुल सही बात है फोर्थ सेचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कि करंट इंटेंसिटी की डिपेंड नहीं करता बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है कैसे जितना ज्यादा तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा यहां पर मैक्सिमम करंट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली सैचुरेशन करंट की वैल्यू इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने इसके तो कर भी निकाले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड ऑप्शन ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें जरा बुलाई टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल आर कनेक्टेड ऑन ऑफ अ लेफ्ट एज फिगर टू वे पल्सेज, वन एट अपर एंड ऑफ स्ट्रिंग वन वन को तो हमने क्या किया है वन एट अपर एंड ऑफ स्ट्रिंग वन एक को तो यहां से चलाया और एक को हमने स्ट्रिंग टू के बॉटम से चलाया है क्लियर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली एट इक्वल टू जीरो ऑल्सो स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ग्राउंड अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन जी एट सेम इंस्टेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन बेसिकली पे कमेंट कर करवाइए कितना होगा और कितने टाइम में वो मीट करेंगे तो देखना जरा तो देखो ये लिफ्ट इसमें ये स्ट्रिंग जिसका मास मैं मान लेता हूं एम लेंथ एल क्लियर अभी इस पर लगेगा जी नीचे तो जैसी लिफ्ट को ए हमने अगर ऊपर दे दें ए एक्सलिसन तो अगर लिफ्ट के फ्रेम में बात करूं मैं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट तो इस पर क्या लगेगा नीचे की तरफ एम जी प्लस एम ए ठीक है भाई तो किसी भी एक्स हाइट पर अगर मैं देखूं यहां तो यहां अगर बात करूं तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी तो टेंशन आएगा नीचे वाले मास की वजह से तो जो मास हो जाएगा कितना पर यूनिट मास हो जाएगा एम बाई एल क्लियर एम बाई एल साथ में एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा एम बाई एल एन टू एक्स नेट इफेक्टिव एक्सलेशन कितना हो गया नीचे g प्लस ए या बोल दो इसका मास स्मॉल m है तो स्मॉल एम जी प्लस स्मॉल एम ए नेोर्स डायरेक्टली बोल सकते हो g प्लस ए इतना तो आ गया इस पॉइंट पर टेंशन क्लियर टेंशन अपॉन m बाई एल पर यूनिट लेंथ मास का डिवाइड कर दो तो ये आ गई हमारे पास किसी भी x हाइट पर स्पीड बेसिकली किसी भी x हाइट पर स्पीड की वैल्यू आई है हमारे पास g प्लस ए इंटू एक्स अब एक्सलेसन की बात करूं ऊपर की तरफ जाने पर क्योंकि ऊपर जाने पे टेंशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी तो ये आ जाएगा वी डी वीवाई डी एक्स से यह आ गया अंडर रूड जी प्लस ए एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो अंडर रूट जी प्लस ए, तो ए अपॉइन टू रूट एक्स तो ये आ गया जी प्लस ए बाई टू ए की वैल्यू जी दे रखी है, तो यह आ गया जी मतलब मैं कह सकता हूं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक सारी कहानी हमने की है तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो पल्स जो है उसका ऊपर की तरफ एक्सलेशन होने वाला है जी ओके okay. हाँ भाई तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखना लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये स्ट्रिंग वन ये स्ट्रिंग टू यहां से पल्स यूं चली यहां से पल्स यूं चली इसका भी एक्सलेशन ऊपर की तरफ होगा कितना जी इसका भी एक्सलेशन ऊपर की तरफ होगा जी ये वन और ये रखा ना हमको वन और टू टू पल्स वन एट अपर एंड ऑफ स्ट्रिंग वन ठीक है एंड अदर एट लोअर एंड ऑफ स्ट्रिंग टू ठीक है हाँ भाई यह खुद जा रही थी जी से अब इनके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सलेसन की बात करूं तो देखो जी तो ऑलरेडी है ही इनका एक्सलेस ऊपर की तरफ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो लिफ्ट का और मिल जाएगा तो दोनों का एक्सलेसन टू जी टू जी अपार्ड हो जाएगा तो हम हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो दोनों का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा टू जी क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गया क्या बोल रखा है एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे खत्म हो गया देखें हाँ कि पल्स इन स्ट्रिंग वन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज टू जी बिल्कुल सही बात है बट डाउनवार्ड डाउन रॉन्ग हो जाएगा एक्सलेन ऑफ पल्स इन स्ट्रिंग टू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज टू जी अपार्ड बिल्कुल सही बात है तो एक तो ये चेक हो गया अब हमको देखना है कितने टाइम में मिली और कहां मिली तो वो भी देख लो अब जरा

इस पॉइंट पर पहुंचने पर रखेगी उतनी इसकी वेलोसिटी रही होगी तो ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट टू ए डिस्प्लेसमेंट एल तो रूट टू जी एल से नीचे आ रही होगी क्लियर अब तो ये बेसिक का क्वेश्चन बन गया आपसे बोल दिया सेम एक्सेलरेशन है दोनों का मीटिंग टाइम बताओ तो मीटिंग टाइम हम बोल सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल अपॉन रिलेटिव रूट टू जी एल इतने टाइम में मिल जाएंगी जो की वैल्यू आ गई हमारे पास एल अपॉन टू जी क्लियर इतने टाइम में तो मिल जाएंगी अब बोला जाए कि कितनी हाइट पर मिलेंगी तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो कि भाई इतने टाइम में ये वाली वेब कितनी हाइट चलेगी तो हाइट आ जाएगी देखो हाइट की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए ए की वैल्यू है जी टी टी, ये ये तो ए, टी ये आ गया ये अपने तो हाफ ए टी स्क्वायर तो ये वैल्यू आ गई एल वाई फोर तो हम कह सकते हैं एल अपॉन रूट एल अपॉइन टू जी टाइम में मिलेंगी और यहाँ बॉटम से एल वाई फोर हाइट पर ही मिलने वाली है ऑप्शन देखें जरा हाँ भाई तो ऑप्शन में क्या बोला है इनमें से ये तो सही आया था ये रॉन्ग आया था बोथ पल्स विल बी एट द सेम हॉर्जेंटल लेवल एट एट बिल्कुल सही बात है बोला हाइट बाय द द आर सेम हॉर्जेंटल लेवल इज एल फोर ठीक है इसने ये पूछा है कि भाई जब वो दोनों के दोनों इतने टाइम में मीट की तो लिफ्ट कितना ऊपर चली तो देखो लिफ्ट के लिए मैंने एक्चुअली वो स्ट्रिंग पल्स के लिए निकाल दिया बट आएगा, आएगा आंसर सेम ही स्ट्रिंग लिफ्ट के लिए भी अगर मैं देखू तो ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाफ एक्सन की वैल्यू कितनी है ए और टाइम तो इतना ही है का स्क्वायर तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास एल वाई फोर आ जाएगी तो ये बात बिल्कुल सही है हमारे पास तो करेक्ट आंसर आ जाएगा वन थ्री एंड फोर क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा बोला कंसिडर ए रीजन वेयर बोथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी आर प्रेजेंट बोथ अलॉन्ग देड एक्सेस क्लियर

v क्रॉस b से फोर्स लगेगा मैग्नेट का नीचे की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो ये एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट काम में ले सकते हैं एम बी वाई क्यूबी और टाइम पीरियड हो जाएगा इसका t इक्वल टू टू पाई एम बाई क्यूबी क्लियर केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखो तो इस तरह से सर्कुलर मोशन करता रहेगा ठीक है साथ में अगर बात करूं तो इस सर्कुलर मोशन के दौरान इसका मैक्सिमम वाई कंपोनेंट जो है ध्यान से देखना वाई का जो मैक्सिमम कंपोनेंट है या बोल दो टी वाई टू पर हाफ टाइम पीरियड के बाद पे ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा डायमीटर के इक्वल और मैक्सिमम एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा इधर रेडियस के इक्वल हो जाएगा क्लियर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो इनिशियली जेड डायरेक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है बट जेट में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसको वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा क्लियर है कि वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा तो ये ऐसे सर्कल तो कर ही रहा है साथ में आगे भी आता जाएगा यू क्लियर तो इसकी जो पिच जो है वो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी क्लियर है क्या बट टाइम पीरियड सेम रहने वाला है हर सेम टाइम पीरियड टी के बाद में ये जो है इस पॉइंट पर एस एक्सेस को टच करेगा फिर आगे जाएगा फिर टच करेगा फिर आगे जाएगा फिर, आगे जाएगा, फिर टच करेगा तो टाइम सेम रहेगा बट ये जो लेंथ है वो बढ़ती हुई जाएगी क्यों बढ़ती हुई जाएगी क्योंकि अगर मैं जेड में एक्सीन की बात करूं तो जेड में इसका आएगा थ्री e तो टी, एल टी चलेगा फिर अगले टी टाइम पीरियड में थ्री एल की जगह फाइव एल चलेगा तो वन रेशो थ्री रेशो फाइव रेशो में चलता हुआ जाएगा क्लियर है क्या ऑप्शन पढ़ते हैं जरा बोला है ये देखें जरा एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स

तो ये आएगा कितना ये आएगा हमारे पास नेगेटिव में टू आर तो नेगेटिव में टू आर मतलब माइनस टू एम बी वाई क्यूबी तो बिल्कुल सही बात है तो ये करेक्ट हो जाएगा तो सेवंथ का हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा एंड ओके क्वेश्चन नंबर देखें जरा बोला हीटर वन टेक्स टेन मिनट्स टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ए ऑफ मास टू के जी वाई ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वेन कनेक्टेड विद टू हंड्रेड वोल्ट सप्लाई हीटर टू टेक्स ट्वेंटी मिनट्स टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बी ऑफ मास फोर के जी वाई द सेम इंक्रीमेंट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कनेक्टेड विथ 400 वोल्टेज स्पेसिफिक हीट दे रखी है और इंडिविजुअल की पावर रजिस्टेंस और साथ में उनके फर्दर टाइम पे कमेंट करवाई तो पहले मैं इनकी पावर निकाल लेता हूँ देखना जरा कि पहले हमने हीटर वन से क्या किया लिक्विड ए को गर्म किया तो हीटर वन जो है उसने क्या किया टेन मिनट में ए वाले लिक्विड को ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से राइज किया तो हीटर कितनी हीट देगा तो वो देगा पी टेन मिनट्स में दे देगा टेन इंटू सिक्स में कन्वर्ट किया इतनी हीट इतने जूल की हीट दे, दे देगा क्लियर ये कहा खर्च हुई है टू के जी का टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुई है तो एम एस डेल्टा टी तो यहां से देखो सिक्स हंड्रेड से ये सिक्स हंड्रेड गया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फोर हंड्रेड वॉट तो पहले वाले हीटर की पावर तो आ गई फोर हंड्रेड वॉट सिमिलरली मैं दूसरे हीटर की निकाल लेता हूं तो दूसरे हीटर ने क्या किया है 20 मिनट्स तक रन किया तो 20 इंटू सिक्सटी इक्वल टू इसने 4 केजी को 12,000 थाउजेंड स्पेसिफिक हीट वाले का टेम्परेचर 20 बढ़ाया है तो ये कितना हो गया देखो हमारे पास 20 से 20 गया 60 से ये गया अपने पास 200 हंड्रेड टाइम्स तो सेकेंड हीटर की पावर आ गई हमारे पास 800 हंड्रेड वॉट क्लियर तो एक तो पावर वाला क्वेश्चन हो गया पावर ऑफ हीटर वन एच फोर हंड्रेड वॉट बिल्कुल सही बात है रजिस्टेंस भी अगर मैं निकाल लूँ तो देखो पी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर बाई आर तो पहले वाले को 200 से कनेक्ट किया है तो 200 का स्क्वायर अपॉन आर वन तो यहां से आर वन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो आर वन की वैल्यू आ जाएगी देखो ये आ जाएगा अपने पास 100 ये आ जाएगा हमारे पास 100 ओम क्लियर तो पहले वाले हीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम आ गया सिमिलरली सेम तरह से दूसरे वाले की पावर जो लिखी जा सकती है वो लिखी जा सकती है फोर हंड्रेड वॉल से अप्लाई किया ना तो फोर हंड्रेड बाई आर टू फोर हंड्रेड बाई आर टू तो वहां से आर टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू हंड्रेड ओम सेकेंड हीटर की इसने बोल ओम बिल्कुल सही बात है हमारे पास द हीटर टू वे हंड्रेड ओम थर्ड की बात करते हैं इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज हीटर थ्री हंड्रेड सप्लाई

अब करना क्या है इस हीट को लेके लिक्विड ए का टेम्परेचर थर्टी बढ़ाना है तो ए का टेम्परेचर तो एम एस डेल्टा टी थर्टी बढ़ाना है क्लियर तो देखो थ्री हंड्रेड से तो एक ही थ्री हंड्रेड गया साथ में इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ मैं थ्री हंड्रेड इंटू टी सिक्सटी से ये भी गया हंड्रेड टाइम्स ये बच गया टू थर्टी इंटू टू हंड्रेड ठीक है टू हंड्रेड जीरो तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई हमारे पास ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी मिनट्स लगेंगे इसने बिल्कुल यही दे रखा है तो बिल्कुल सही बात है थर्ड भी हमारे पास करेक्ट होगा सेम तरह से हम फोर्थ वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं फोर्थ में बोला है एक बहुत हीटर सा कनेक्टेड इन पैरल टू तो अ थ्री हंड्रेड सप्लाई बोल्ट देन टाइम ता टेकन टू तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बी बाय ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस सिक्सटीन मिनट तो हम देखो अब पैरल में लगाया है और कितने से थ्री हंड्रेड से तो पावर कितनी हो जाएगी थ्री हंड्रेड का स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर इक्वल क्लियर तो आर करंट अगर देखें हंड्रेड टू हंड्रेड का कितना हो जाएगा तो यह जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू तो यह आ जाएगा टू हंड्रेड बाई थ्री इतना तो पावर है क्लियर मैं मान लेता हूँ टी मिनट लगा तो टी इंटू सिक्सटी सेकेंड्स इतनी एनर्जी मिली ये खर्च कहाँ हुई है ये हमको खर्च करनी है बी वाले को तो फोर इंटू ट्वेल्व थाउजेंड एम एस टेम्परेचर हमको बढ़ाना है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तो यहां से तो मेजरली टाइम कैलकुलेट कर सकते तो टी तो की वैल्यू जाएंगे एट के वन टू थ्री एंड फोर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखें जरा नाइन में बोला है द टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर इनिशियली इन कॉन्टेक्ट वेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन तो कॉफिशियट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ ए एंड बी आर म्यू एंड मीटू रेस्पेक्टिवली एज्यूम टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू मू एंड मीटू तो पोल कब क्या होगा साथ साथ स्लाइड करेंगे नहीं करेंगे तो so, देखें जरा इसमें कहानी कि भाई ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल है थीटा तो इस पर किसी भी ब्लॉक को अगर रोके अगर रोके रखना है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा होनी चाहिए बट हमें यहां पर दे रखा है कि टेन थीटा की वैल्यू जो है वो म्यू की वैल्यू जब वो टेन थीटा से कम है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये ब्लॉक जो है रुकने वाला नहीं है पक्का स्लिप करेगा मतलब यहां दोनों ब्लॉक स्लिप करने वाले हैं अब साथ साथ करेंगे नहीं है उसके बाद बात करते हैं तो देखें ज़रा ये ब्लॉक वन ये ब्लॉक टू इस पर अगर मैं इंडिपेंडेंटली बात करूँ तो वन के लिए एदार लगेगा एम जी साइन थीटा क्लियर ऊपर अगर मैं बात करूँ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग सकता है मैक्सिमम वो लग जाएगा सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लिप होने वाले हैं तो वो लग जाएगा म्यू वन एम जी थीटा क्लियर तो देखो अगर मैं मान लेता हूं दोनों अलग अलग है तो इसका एक्सप्रेशन आएगा ए वन इधर ए वन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू वन जी कॉस थीटा सिमिलरली ए टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी साइन थीटा माइनस म्यू टू जी थीटा अब जरा समझना ये वाला टू वाला अगर वन को पुश करने लग जाए सुन जरा ध्यान से अगर मैं कंडीशन ले लू कि ए वन जो है वो कम है ए टू से अगर ए वन ए टू से कम हुआ तो ये डेफिनेटली आगे आ जाएगा और वन को पुश करने लग जाएगा मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे इसमें तो टुगेदर मोशन होगा और अगर ए वन ज्यादा हो जाए ए टू से ए वन अगर ज्यादा हो जाए तो ये आगे निकल लेगा इसलिए पीछे रह जाएगा तो अब साथ मोशन नहीं होगा नो no टूगेदर और अगर ये बराबर हो जाए तो ये नॉर्मल नहीं लगेगा हां साथ साथ चलते हुए देखेंगे बट एक दूसरे को टच ये नहीं करेंगे कोई किसी भी तरह का नॉर्मल नहीं लगाएंगे क्लियर तो हम कह सकते हैं कि नो टचिंग या बोल दो नॉर्मल जीरो खैर हमको इस इन दोनों ऊपर वाले केसेस पे क्वेश्चन पूछा है अब देखना साथ साथ चलने के लिए ए वन लेस देन ए टू होना चाहिए अब ए वन कब कम होगा बाकी सारी वैल्यू सेम है केवल म्यू का डिफरेंस आ रहा है तो देखो ए वन हमें कम चाहिए ए वन तब कम मिलेगा जब हमारे पास म्यू वन ज्यादा होगा मतलब म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू होने पर हमारे पास ये साथ साथ चलेंगे और इसका उल्टा म्यू वन लेस देन म्यू टू होने पर ये साथ साथ नहीं चलेंगे तो पहला तो ऑप्शन इसी से चेक हो जाएगा हमारे पास कि भाई बोला है कि हमारे पास साथ साथ चलेंगे या नहीं तो वन वाला ज्यादा होना चाहिए साथ चलने के लिए तो इसने बोला इफ ग्रेटर देन म्यू टू द ब्लॉक्स विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही बात है फ म्यू वन इज लेस देन म्यू टू द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन विद डिफरेंट एक्सलेसन ये भी सही बात है कि अगर म्यू वन म्यू टू से कम है तो ये कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे म्यू वन म्यूटू से कम है तो ईवन ए टू की वैल्यू भी डिफरेंट आएंगे अलग अलग एक्सलेसन से चलेंगे बिल्कुल सही बात है आगे बोला है कि भाई म्यू वन अगर म्यूटू से ज्यादा है तो कॉमन एक्सलेसन इतना होगा म्यू वन अगर म्यूटू से कम है तो कॉमन एक्सलेसन इतना होगा देखो म्यू वन अगर म्यूटू से अगर कम है ना तो इस केस में तो कॉमन एक्सलेशन मिलने के कोई चांसेज ही नहीं है ये तो रॉन्ग ही हो गया अब केवल थर्ड वाला चेक कर लेते हैं कि अगर ये केस आता है हमारे पास तो कॉमन एक्सलेशन कितना होगा तो देखो इस केस में अगर बात करूं तो अब दोनों के दोनों ए से साथ में जाएंगे तो पूरे पूरे सिस्टम के लिए देख लो तो पूरा का पूरा सिस्टम हो गया हमारे पास टू एम मास का इधर एकस, इधर फोर्स लग रहा है टू एम जी साइन थीटा ऊपर की तरफ दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू वन एम जी कोस थीटा प्लस म्यू टू एम जी कॉस थीटा तो एक्सिलेशन की वैल्यू आ जाएगी यहां पर नेट फोर्स डाउनवर्ड जो कि हो गया टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यूवन प्लस म्यू टू एम जी कॉस थीटा अपॉन टू एम टू एम से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा यहां केवल जी साइन थीटा और यहां बच जाएगा केवल अपॉन टू क्लियर तो जब ये साथ साथ मूव करेंगे तो म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू होना चाहिए तब ये साथ साथ मूव करेंगे और उस टाइम कॉमन एक्सीलेशन ये होगा अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है तो ऑप्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें बोल रहा था हाफ मी वन प्लस मी टू जी साइन थीटा नहीं बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहा तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया तो नाइन का हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वन एंड टू क्लियर ये हमारा सेक्शन वी जो है वो कंप्लीट हुआ तो अब जरा सेक्शन डी की तरफ देखते हैं टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट द लाइट सोर्स इज एट डिस्टेंस एल वन इक्ल टू ट्वेंटी एंड एल टू इक्वल टू फोर्टी माइक्रोमीटर डायग्राम में दिखा रखा है

तो बोला है इफ टेन के मैक्सिम अपियर्स ऑन स्क्रीन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के राउंड ऑफ अप टू द नियरेस्ट इंटीजर तो देखना तो पहले तो अगर लेमड़ा की बात करूँ तो लेमड़ा इसने दे रखा हमारे पास फाइव हंड्रेड नैनोमीटर मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर या बोल दो एक बटा दो माइक्रोमीटर इतना है लेमड़ा डी की बात करूँ तो वो दे रखा टेन माइक्रोमीटर मतलब ट्वेंटी लेमड़ा एलवन की अगर बात करूँ तो वो दे रखा ट्वेंटी माइक्रोमीटर मतलब फोर्टी लेमड़ा एल टू की बात करें तो वो दे रखा फोर्टी माइक्रोमीटर मतलब एटी लैमरा अब देखो किसी भी जनरल पॉइंट पी पर अगर पाथ डिफरेंस लिखा जाए तो देखो मैं मान लेता हूँ ये एक्स चला तो ये यहाँ से डी साइन थीटा का एक्स्ट्रा पाथ लेके आएगा तो इसका पाथ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस डी साइन थीटा यहाँ से एस से लेके पी तक टोटल पाथ डिफरेंस लिखा जाए तो नीचे वाला पाथ ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं एल टू प्लस एक्स प्लस डी साइन थीटा ये तो हो गया नीचे वाले का पाथ माइनस एस वन के करस्पॉन्डिंग पाथ आएगा L1 माइनस एक्स क्लियर के L1 प्लस एक्स होगा सेपरेट कर दिया ये पाथ डिफरेंस यहां अगर मैक्सिमा चाहिए तो एन लेमडा होना चाहिए तो यहां से देखो ये आ गया हमारे पास एल टू माइनस एलेवन प्लस डी साइन थी टू एन लेमडा और वैल्यू रखो तो एल टू माइनस हो गया हमारे पास फोर्टी लेमडा डी की वैल्यू हमें दे रखी ट्वेंटी लेमडा साइन थीटा इक्वल टू एन लैमडा तो यहां से अगर तुम देखो तो एन की वैल्यू क्या आ गई एन की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर्टी प्लस ट्वेंटी साइन थीटर क्लियर मतलब इस स्क्रीन पर जो हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा वो लैमड़ा का एन इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन वैल्यूज मिल सकती है हमें क्लियर है क्या जो है हमारे पास यहां पर जो पाथ डिफरेंस हमें सॉरी जो यहां पर जितने भी हमें पाथ डिफरेंस मिलेंगे उसमें पाथ डिफरेंस के लिए जो मैक्सिमा की जो कंडीशन मिल, जो मिलने वाली है हमें वो इस एन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग मिलने वाली है जीरो लैमरा वन लेमरा टू लेमरा जो भी है हमारे पास अब हमें एन चेक करना है बस तो देखो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वन तो एन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सिक्सटी थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास माइनस वन तो इसके करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू आ सकती है ट्वेंटी मतलब हमारे पास इस स्क्रीन पर जो भी पाथ डिफरेंस मिलेंगे उन पाथ डिफरेंसों में मिनिमम पाथ डिफरेंस होगा वो होगा ट्वेंटी लेमडा और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी लेमडा क्लियर है क्या जीरो लैमरा से लेकर नाइनटीन लेमरा तक मिलने वाले नहीं है और यही ट्वेंटी लेमरा और सिक्सटी लेमरा जो एक्सट्रीम कंडीशन है नाइनटी वाली मतलब ये भी स्क्रीन पर नहीं होंगे इन्फिनिटी वाली हैं तो इनके बीच बीच वाले होंगे तो ये टोटल हमारे पास थर्टी नाइन मैक्सिम बनेंगे इस स्क्रीन पर अब इसको अगर हम टेन के की कम कम टर्म्स में देखें तो टेन के इक्वल टू थर्टी नाइन तो के की वैल्यू आएगी थ्री पॉइंट नाइन तो नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा हमारे पास फोर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर गोज थर्मोडानवे साइक्लिक प्रोसेस एस एसन फिगर द साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन आइसोकॉरिक आइसो थर्मल एडियोबोटिक तो देखो ये आइसोकॉरिक है ये आइसो थर्मल है एडियाबोटिक हम देख सकते हैं तो एडियाबोटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस इज दिस एल्फा की वैल्यू पूछिए कुल मिला के गाँव में पूछा है इसने तो देखो ये कितना है हमारे पास इसके लिए पी वी पता है इसके लिए पी वी पता है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ प्रेशर है थ्री पी नॉट यहाँ प्रेशर है पी नॉट वॉल्यूम है वी नॉट यहाँ से अगर यहाँ तक जाए तो देखो जा प्रेशर जो है वो थ्री टाइम्स हो गया तो वॉल्यूम वी नॉट बाई थ्री हो जाएगा क्योंकि पी वी इक्वल टू कॉन्सेंट होता है इस थर्मल में अब इस रिलेशन के लिए आप क्या करो एडियाबेटिक वेटिका रिलेशन लगा दो तो ए और सी में अगर मैं देखूँ तो बोल सकता हूँ पी इन टू वी की पावर गामा इक्वल टू पी इंटू वी की पावर गामा तो यहाँ से रिलेशन आ गया वन अपॉन थ्री की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू वन बाई टू तो लॉग ले, ले इसको ऊपर ले जाओ हम बोल सकते थ्री की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टू लॉग लेते तो गामा माइनस वन इक्वल एल एन थ्री इक्वल टू एल एन टू तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास एल एन टू प्लस एल एन थ्री बाई एल एन थ्री तो ये आ गया हमारे पास एल एन टू इन टू थ्री बाई एल एन थ्री अब तुम इसको कंपेरिजन कर लो जरा इस फॉर्मेट से तो टू एल्फा अपन एल्फा तो एल्फा की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर थ्री होगी तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास थ्री ओके क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं बोला स्मूथ सिलेंडिकल ग्लास लाइज ऑन अ ग्राउंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास लाइज ऑन द बॉटम सरफेस टचिंग सरकम फेरेंस एज सुन द फिगर द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नोट द दर्कमफेरेंस सच दैट द पार्टिकल जस्ट रिचेज एट द टॉप ऑफ द ग्लास इज दिस वैल्यू ऑफ के कि बेसिकली हुआ क्या है इस सिलेंडर से यहाँ से पार्टिकल को वी नोट से अलॉन्ग द सर्फेस प्रोजेक्ट किया है और इसमें ही उस सरफेस के अलांग ये घूमता घूमता फाइनली हमें टॉप तक पहुंचाना है मैं मान लेता हूं यहां जब ये घूम रहा होगा उस टाइम इसकी टेंजेंशियल स्पीड है वी तो ये वी नोट हमसे पूछा है क्लियर अब देखना जरा कि भाई ये जो सर्कुलर मोशन करता हुआ है जा रहा है तो सारा का सारा जो फोर्स जो है यहां पर देखो जरा हम कह सकते हैं कि अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं तो सेंटर के अबाउट इसका आप क्या कर सकते हो जो भी फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर से पास हो रहा होगा क्लियर सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसका सेंटर से पास हो रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के एक तो मैं वी निकाल लूँ वी और वी में रिलेशन निकाल दूँ दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा तो इससे मेरे पास इजिल वी नोट आ जाएगा तो देखो पहले तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन निकालते हैं तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी नॉट आर बाई टू यहाँ हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम एम वी आर तो यहां से वी की वैल्यू आ गई हमारे पास वी नॉट बाई टू एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो यहां देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम वी नोट स्क्वायर जब ये टॉप पर पहुंचेगा तब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर साथ में पो, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी एम जी एच तो ये आ गया हमारे पास हाफ एम वी नोट स्क्वायर इंटू थ्री बाई फोर इक्वल टू एम जी एच तो यहां से वी नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास एट जी एच बाई थ्री का रूट तो यहाँ से तो कंपेरिजन करो तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी एट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा बोला अ यूनिफॉर्म वर्टिकल सिलेंडर डेंसिटी सिग्मा इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट इट्स लोअर एंड जस्ट टचेज द लिक्विड डेंसिटी ग्रो सरफेस ऑफ अ डीप ले कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर एल की वैल्यू एट दे रखी है तो देखना जरा मैं भाई किसी भी जनरल कंडीशन के लिए बात कर लेता हूँ कि मान लो कि ये जो है यहाँ से एक्स सिंक कर गया तो नीचे तो लग रहा होगा इस पर एम जी एम जी की वैल्यू हो जाएगी वी सिलेंडर का रो इंटू जी इस टाइम इस पर वी ऊपर लग रहा होगा वो लग रहा होगा डिवा वो वॉल्यूम ए एक्स इंटू रो जी तो नीचे की तरफ इसका एक्सलेशन रहा होगा वी डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू ये रहा होगा एम जी जी माइनस एम जी माइनस एफ बी बाई एम जो बोल सकता हूँ मैं जी माइनस एफ बी बाई एम एफ तो बी की वैल्यू है ए एक्स रो जी अपॉन ये है ए एल सिग्मा जी सॉरी एम लेना ना हमको तो ए एक्स एल सिग्मा तो, तो यहां से देखो वी डी बी वाई डी एक्स एक्स है वो डेफ जिससे ये डूबा है, है. ये आ गया हमारे पास जी माइनस रो एक्स जी वाई एल सिग्मा क्या बोल दो रो वाई सिग्मा एल इंटीग्रेट करते हैं जरा इसको डी को उधर ले जाओ ठीक है थोड़ा सा और रीअरेंज कर दूं मैं तो वी की वैल्यू आ गई हमारे पास जी आ गया बाहर इंटीग्रेशन वन माइनस रो अपॉन सिग्मा की वैल्यू दे रखी है टू जी एल की वैल्यू दे रखी है एट तो इसको भी लिख दो यहां तो ये बन गया वन बाई फोर डी की लिमिट जीरो से मैं मान लेता हूं एक्स ही डूब गया तो एक्स आ जाएगा v की बात करें ठीक है तो देखो अभी यहां पर अभी यहां पर स्पीड कितनी है जीरो जब ये पूरा का पूरा डूब जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम डूबने पर होगा तब भी स्पीड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो v तो जीरो से जीरो लेके जाना है क्लियर है क्या तुम देख सकते हो यार कि भाई बॉडी की जो डेंसिटी है ना वो लिक्विड की डेंसिटी से आदी है मतलब सीधी सी बात है पूरा डूब के नीचे डूबते नहीं रहने वाला पहले डूबेगा फिर ऊपर जाएगा फिर ऑसलेसन करेगा ये तो यहां से देखो जीरो से इनिशियली स्पीड जीरो है, यहां पर जब भी जब जब इसमें कुछ बिल्कुल नहीं डूबा हुआ क्लियर और जब ये मैक्सिमम डूब जाएगा तब भी स्पीड जीरो हो जाएगी तो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो ये आ जाएगा जीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन किया तो एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई एट बन जाएगा तो ये बन गया एक्स इक्वल टू अच्छा जी तो डिवाइड होके गया ना एक्स स्क्वायर बाई एट जी तो बाहर चल रहा था डिवाइड जी होकर चला जाएगा एक्स स्क्ट तो एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो होगा मतलब बिल्कुल नहीं डूबी हुई और एक तो एक्स इक्वल टू एट होगा जब मतलब ये मैक्सिमम एट मीटर डूबी हुई होगी तो मैक्सिमम डूबा हुआ डूबा हुआ, 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 हुआ होना होना या मैं कह दू इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा एट मीटर आ जाएगा

ये एलवाई टू नीचे जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना देखने को एक एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम देखने को को मिलेगा? मिलेगा, इस से के के बीच में जो कि मीटर है। ऐसे भी चेक कर सकते थे क्लियर है क्या देखें जरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हाँ भाई बोला सैटेलाइट इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट प्लेन प्लेनेट ऑफ रेडियस आर द एल्टीट्यूड ऑफ द सेटेलाइट एव सर्फेस ऑफ द प्लैनिट इज थ्री आर की यह हमारे पास एक कैपिटल एम मास का क्या है एक प्लेनेट है आर रेडियस है और इससे थ्री आर पर हाइट पर यहां कोई भी प्लेनेट है जो विन नॉट स्पीड से क्या कर रहा है ऑर्बिट कर रहा है तो विन नॉट की स्पीड हम इजिली बोल सकते हैं ये हो जाएगी रूट जी एम बाई रेडियस फोर आर यह ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी अब ओलाइट टू प्लेस द सेटेलाइट इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट Which will bring it closer to the planet. Its velocity is reduced from v0 to v 0 When beta is less than the smallest permissible value of b, if the satellite is not to crash on the surface of the planet, is root 2 by k times. Here, basically, root 2 by k. बीटा के वैल्यू हम बीटा की वैल्यू टू वाई के है तो के वैल्यू पूछी हमसे ठीक है तो कहानी क्या की है हमने कि पर इसकी वेल। वेलोसिटी को अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर वेलोसिटी को हमने डिक्रीज कर बीटा विनोट क्लियर बीटा वीनोट कर दिया, कर दिया कर जिसकी वजह से क्या इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है और यहाँ इस प्लेनेट की सर्फेस को जस्ट टच करते हुए जा रहा है क्रैश नहीं हो क्लियर क्रैश नहीं कर रहा है हल्का सा इसी के जस्ट पास जो गुजर रहा है तो इस बीटा की वैल्यू पूछिए तो देखें जरा तो, इस तो इस एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं कि मैं कि मैं इस टाइम पे मान ये स्पीड है वी। तो एक रिलेशन तो हमें मिल गया v की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर बीटा वी नोट क्लियर एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाए थे ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के V और V नोट में एक रिलेशन तो ये मिल जाएगा एक रिलेशन वहां से मिल जाएगा इजीली हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो देखो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी पोटेंशियल हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई फोर आर एनर्जी कितनी हो जाएगी प्लस का हाफ एम बीटा, नोट तो बीटा बी नोट का स्क्वायर तो बीटा का स्क्वायर बी नोट का स्क्वायर हो जाएगा हमारे हमारे पास जी एम बाई फोर आर यहां अगर मैं देखूं तो यहाँ का एनर्जी कितनी है हाफ एम बी स्क्वायर और बी की वैल्यू ये रही हमारे पास तो सिक्सटीन बीटा बी नोट स्क्वायर क्लियर साथ में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहां पर माइनस जी एम एम बाई आर तो इसको जरा रीअरेंज करते हैं इसको इधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा हमारे पास थ्री बाई फोर जी एम एम बाई आर क्लियर ठीक है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस जी एम एम बाई एट आर बीटा स्क्वायर यहां इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास एट एम बीटा स्क्वायर बी नोट का स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा जी एम बाई फोर आर इससे ये गया टू टाइम्स क्लियर तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास देखो ये वैल्यू आ गई थ्री बाई फोर जी एम एम बाई आर इक्वल टू यहाँ टू टू में से वन बाई एट जाएगा तो टू माइनस वन बाई एट बीटा स्क्वायर जी एम एम बाई आर यहाँ एम बी है ना तो जी एम एम बाई आर से जी एम एम बाई आर गया ये वैल्यू हो गई हमारे पास थ्री बाई फोर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्टीन बाई एट बीटा स्क्वायर इससे गया ये ये टाइम्स टाइम्स इससे गया ये times, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट टू वाई फाइव मतलब के की, okay? तो की तरफ बढ़ते हैं बोला इन हाइड्रोजन एटम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इवन द फ्रिक्वेंसी ठीक है भाई। तो देखो हाइड्रोजन के लिए अगर किसी भी एंथ ऑर्बिट में अगर मैं बात करूं तो एनर्जी जो होती है वो आती है हमारे पास माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन बोल्ट हाइड्रोजन के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी होती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट की तो इसको अपन बोल सकते ईवन अपॉन एन स्क्वायर क्लियर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एंथ ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है हमारे पास ठीक है उसके लिए इतनी टोटल एनर्जी होगी और हमें पता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैंग सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रहा है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है क्लियर e साथ में इसके अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा बोर मॉडल से हम लिख सकते हैं एन एच अपॉन टू पाई तो इक्वेशन वन और टू का डिवाइड कर दो दोनों को वन और टू का अगर डिवाइड करें तो रिलेशन मिलेगा ई वन अपॉन एन क्यू एच टू पाई इक्वल टू

मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन देखें जरा बोला ये हमारे पास टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर फिक्स इन स्पेस एट सेपरेशन ए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनफाइनाइट प्लेट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एटेंस एम प्लस क्यू एंड टू इज टू क्यू वाई के एफ सेल नोट फाइन दैल्यू समझना जरा क्या कहानी है कि ये हमारे पास एक इन्फानाइट प्लेट है बहुत दूर तक जा रही है इसके एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू बोला इससे पास होने वाला फ्लक्स बताओ तो देखो जरा इस क्यू की वजह से अगर मैं पास फ्लक्स की बात करूं तो इसे चारों तरफ सिमेट्रिक तरफ सिमेट्रिक फॉर्म में फ्लक्स निकल रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी क्यू वाई एफ सला नोट इसमें इंटर हो रहा होगा इसकी चार्ज की वजह से जिसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल क्यू वाई एफ साल नोट अब देखना इसकी वजह से अगर देखू

क्लियर तो यहां से जितनी भी फ्लक्स जो है वो या तो इस प्लेट से निकलेगा या इस प्लेट से निकलेगा तो आधा आधा सिमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आधा इससे आधा इससे तो वही किया गया क्लियर क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं देखें जरा क्वेश्चन नंबर एट एसी का क्वेश्चन है बोला है कि एक सीरीज एलसीआर में सर्किट में क्या पाया गया कि एक्सएल और इक्वल टू टू सीरीज में होता है क्या है आर इधर ले लिया हमने इधर ले लिया एक्सएल इधर एक्स सी बेसिकली इधर वी एल और इधर वी सी होते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट जिधर जेड आएगा उधर वी नेट हो जाएगा इसकी वैल्यू दे रखी है टू सी क्लियर तुम बोल सकते हो ऊपर की तरफ एक्स सी इधर हो गया आर साथ में बोला है द द फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड द करंट इज पाई वाई फोर तो इनका रिजल्टेंट आएगा इधर जेड इधर आएगा वी नेट इधर आएगा करंट आई सीरीज में तो ये पाई वाई फोर मतलब फोर्टी फाइव दे रखा है मतलब आर इक्वल टू एक्स सी अब आगे क्या किया इधर आर इधर एक्सएल इक्वल टू आर जिसकी वैल्यू ठीक है पहले थी ओमेगा एल इधर एक्स सी जिसकी वैल्यू बन अपॉन ओमेगा सी ये वैल्यू आर के इक्वल थी इसकी वैल्यू आर के इक्वल थी क्लियर अब देखना जरा अब क्या किया कैपेसिटेंस को वनवाई फोर कर दिए तो कैपेसिटेंस को वनवाई फोर करते ही ये जो एक्स सी है वो फोर टाइम्स हो जाएगा साथ में रेजिस्टेंस को डबल कर दिया और इंडक्टेंस को भी डबल कर दिया इंडक्टेंस को डबल करते ही ये डबल हो जाएगा मतलब टू आर की बजाय फोर आर बन जाएगा तो तुम ध्यान से देखो एक्स और एक्स इक्वल हो गए मतलब इसने मतलबेंस की कंडीशन अचीव कर ये ली ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो गया अब प्योरली रजिस्टेड सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं मतलब फेज डिफरेंस होता है जीरो तो इसको जीरो लाने के लिए एक्स की वैल्यू यहां कितनी होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए तो करेक्ट आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन देखें जरा पेपर का रे ऑप्टेक्स से क्वेश्चन है बोला है इसमें कि भाई सोन इन द फिगर इज अ वर्टिकली इरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्सेस ऑफ अ एट ए डिस्टेंस फिफ्टीन मीटर ऑफ कॉनकेब मिर ऑफ फोकलेंस सिक्स मीटर क्लियर इसके सामने आपने एक प्लेन मिररर रख दिया है ये एट मीटर पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन साथ में बोला है फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज इन मीटर फ्रॉम पोल ऑफ द कॉनकेब मर सेकंड रिफ्लेक्शन कि भाई यहां से रह जाएंगे पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेब पे होगा दूसरा रिफ्लेक्शन हमारे पास प्लेन मिररर पर होगा तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी ना उसकी डिस्टेंस बतानी है पोल से कोई दिक्कत नहीं है अब देखो पहले प्लेन मिरर कौन के मिरर के लिए बात कर लेते तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन दे रखी है हमें फिफ्टीन पे फोकलन दे रखी है सिक्स तो इससे बने वाली इमेज की पोजिशन ले तो मिररल तो फार्मूला तो लगाओ तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ यू की वैल्यू माइनस फिफ्टीन एफ की वैल्यू माइनस सिक्स क्लियर u की वैल्यू माइनस फिफ्टीन एफ की वैल्यू माइनस सिक्स तो ये वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू नाइनटी अपॉन माइनस का नाइन माइनस टेन मीटर क्लियर ये एट है मतलब डेफिनेटली इसकी इमेज जो वो यहाँ कहीं रही होगी टेन मीटर पे क्लियर अब इस मिरर के लिए देखो तो ये टू मीटर डिस्टेंस हो गई तो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए रिलेशन है कि ऑब्जेक्ट जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है उतनी पर वो इमेज बनाएगा तो प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं बना देगा टू मीटर पे क्लियर है क्या यहां यहाँ बना देगा क्योंकि तो फोकल है ना सिक्स मीटर यहां बना देगा टू मीटर पे तो देखो फाइनल इमेज सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनी है वो यहां से टू पर है तो पोल से कितने पर हो गई सिक्स मीटर पे तो आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स तो ये हमारा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हुआ उम्मीद है सबका अच्छे से गया होगा सभी को फ्यूचर के लिए गुड लक थैंक यू